अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत संभल जनपद के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के कुशल निर्देशन में असमोली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो शातिर वाहन चोर गिरोह के चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, साथ ही अवैध तमंचा कारतूस भी इनके पास से पुलिस को मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में इन दोनों शातिर चोरों ने बताया कि वे जनपद के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां इन दोनों चोरों ने पुलिस को दी हैं। संभल में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष असमोली रणवीर सिंह के साथ SOG टीम द्वारा मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि खासपुर तेरे से एक चोरी की हुंडई क्रेटा कार सामने से आती दिखाई दी। पुलिस ने इशारा कर रोकने को कहा तो तलाशी के दौरान मोनू और विशाल नाम के दो वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। उन्होंने पुलिस को बताया कि 9 चोरी की गई मोटरसाइकिलें झाड़ियों में छुपाकर रखी हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार इनके दो साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस को इनके पास से एक हुंडई क्रेटा कार और 9 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने इन दोनों शातिर वाहन चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। आज थाना असमोली के द्वारा एक वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा गया है तथा इसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें इनकी बरामदगी से एक क्रेटा गाड़ी जो इन्होंने चुराई थी, इसके साथ में जब इनकी निशानदेही पर जानकारी की गई तो इनके पास से 9 मोटरसाइकिल व 1 अदद तमंचा भी बरामद हुआ। इन लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके नाम मोनू पुत्र शिवलाल और विशाल पुत्र मंगल सिंह है। ये इनमें से एक असमोली का रहने वाला है, मूड़ा पांडे मुरादाबाद का रहने वाला है। इनके विरुद्ध पहले भी अनेक थानों से इनमें FIR हो चुकी है। इनके दो साथी जो फरार हैं वो भी बड़े पुराने चोर रहे हैं, वाहन चोर रहे हैं। उनकी तलाश हम लोग सरगर्मी के साथ जारी रखे हुए हैं। इस तरह के जो गैंग हैं उनके विरुद्ध जनपद संभल की पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। धन्यवाद।